मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल की पालकी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मंत्री पीयूष शर्मा और जीतू पटवारी भी मौजूद थे। बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होने से पहले सीएम कमलनाथ ने कहा कि उज्जैन को विकास की बड़ी आवश्यकता है, साथ ही महाकाल मंदिर का सौंदर्यकरण भी हो, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि महाकाल मंदिर के विकास के लिए 300 करोड़ की योजना बनाई है। पब्लिसिटी की चिंता नहीं है, क्रियान्वयन की चिंता है, क्योंकि महाकाल मंदिर में दर्शन करने वालों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की पहचान महाकाल से है। अपने देश का एक महान स्थान हमारा महाकाल है। बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि महाकाल का सौंदर्यीकरण हो, एक व्यवस्थित रूप से यहाँ की योजना बने, क्योंकि कभी कुछ बना लें कभी कुछ बना लें। तो मैंने ऑल इंक्लूसिव योजना 300 करोड़ रुपए के लिए उज्जैन की हमने चर्चा करी है, ऐसी योजना बनाई है। मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन और इसका क्रियान्वयन आवश्यक होगा। इसकी पब्लिसिटी की चिंता नहीं है मुझे, मुझे इसकी चिंता इसके क्रियान्वयन की है। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि महाकाल के लिए कुछ किया जाए, पूरे उज्जैन के लिए, कि उज्जैन की पहचान भी महाकाल है। और जब ये होता है उज्जैन की जो अर्थव्यवस्था है बदलेगी, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। यहाँ लोग आए केवल दर्शन करने के लिए नहीं, पर यहाँ आए 2-3 दिन रुकें। तो हमारी योजना में ये सब चीजें सम्मिलित है। हर साल यहाँ जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अगले साल मैं मानता हूँ 5 लाख लोग आएंगे, 5 लाख लोग अपने दर्शन के लिए सामान लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था हो, हमारे उनके रहने की व्यवस्था हो, और कुछ भी योजनाएं आए जो उनके मनोरंजन के लिए कुछ हो बाहर, ताकि उज्जैन का विकास हो।